इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.5 से। क्वेश्चन है, इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज़ साइक्लिक। सबसे पहले हम ट्रेपेजियम का एक प्रॉपर्टी को समझते हैं। देखो, ट्रेपेजियम कैसे बनता है। दिस इज़ अ ट्रेपेजियम। ओके, ट्रेपेजियम की खास बात यह है कि इसमें से एक पेयर जो है ना वो पैरेलल होता है और जो दूसरा होता है वो नॉन पैरेलल होता है। अभी देखो, जैसे अगर मैं इसका नाम दूँ ए बी सी एंड डी, अगर मैं ए डी को एक्सटेंड करूँ और बी सी को मैं एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये इंटरसेक्ट हो जाएगा। मतलब ए डी और बी सी ये पैरेलल नहीं है। उसी तरह अगर मैं डी सी को एक्सटेंड करूँ और ए बी को एक्सटेंड करूँ तो हाँ, ये दोनों कैसे हैं, ये पैरेलल हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। मतलब कि नॉन पैरेलल कौन से हैं, ये और ये, वो कैसे हैं, वो इक्वल हैं। मतलब कि अगर हम इसमें देखें तो ये साइड और ये साइड कैसे हैं, वो इक्वल हैं। ओके, एंड हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल जो अंदर बना हुआ है ना, वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, चलो इसका नाम दे देते हैं पहले, ए बी सी एंड डी। ओके, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है कि अगर मैं एंगल ए और एंगल सी को ऐड करूं और इसका समेशन अगर 180 डिग्री आए तो ये अपने आप ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। उसी तरह मैं चाहूं तो एंगल डी और एंगल बी को भी मैं 180 प्रूफ कर सकता हूं, बट हमें दोनों करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक पेयर को अगर हम दिखा पाएँ तो ये अपने आप ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, गिवन क्या है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जहाँ पे ए बी पैरेलल है सी डी के। हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है। फाइन, ओके, अभी हम प्रूफ शुरू करें। उससे पहले हमें यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। हम डी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, सिमिलरली विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी। ओके, तो ये हमें क्या बना के देगा, दिस विल बी 90 डिग्री, हेयर इट विल ऑल्सो बी अ 90 डिग्री। सेम यहाँ पे भी 90 होगा और यहाँ पे भी 90 होगा। ठीक है, एक और चीज़ का यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं और हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तो 90 बनता ही है, बट ऊपर भी कैसा एंगल बनेगा, ऊपर भी 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखना। ओके, अभी हम यहाँ से प्रूफ शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं पहले, ड्रॉ डी ई, यहाँ पे नाम दे देते हैं इसका ई और इसका नाम दे देते हैं एफ। सो ड्रॉ डी ई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, दो छोटे ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं, डी ई ए, डी ई ए ये वाला ट्राइंगल और सी एफ बी ये वाला ट्राइंगल को हमें क्या प्रूफ करना है कि दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, सो एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल एफ, ऐसा हम कब कैसे बोल सकते हैं, डी ई, डी ई ए एंड सी एफ बी ट्राइंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल ई इज़ इक्वल्स टू एंगल एफ। ऐसा इसीलिए क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। उसके बाद अगर हम ध्यान दें तो ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये तो दिया हुआ है, दिस इज गिवन। ओके, अभी हम यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो, डी ई इक्वल्स टू सी एफ। ओके, सपोज़ करो कि अगर ये पैरेलल लाइंस हैं, अगर यहाँ का डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ का भी तो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगा, इसीलिए डी ई और सी एफ भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जिसका यहाँ पे रीज़न लिख लेते हैं हम, इसका रीज़न ये होगा, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर सेम। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये हमें क्या मिल रहा है,
दिस इज आर, ओके ए डी बी सी क्या है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, क्योंकि अगर फिगर में ध्यान से देखोगे तो 90 डिग्री के जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है, वो तो हाइपोटेन्यूज होता है ना। 90 डिग्री के ऑपोजिट जो होता है वो कैसा होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, क्लियर है। अगर फिर हम देखें डी ई इक्वल्स टू सी एफ, तो ये क्या होगा, ये कोई भी एक साइड है ना, सो दिस इज वन साइड। तो हम आर एच एस क्राइटेरियन के थ्रू ये बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके तो अब हम लिख लेते हैं इसके बारे में कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। देयर फोर ट्राइंगल डी ई ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एफ बी बिकॉज ऑफ आर एच एस क्राइटेरिया, ठीक है। अगर ऐसा है तो हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि हमें एंगल ए किससे मतलब है और एंगल बी से मतलब है, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये जो छोटा सा एंगल बन रहा है ना, इसका एंगल वन दे देते हैं ना, और इसका एंगल दे देते हैं टू, ठीक है। तो इससे भी हमें आने वाले स्टेप्स में ये चीज़ें हमें हेल्पफुल होंगी। तो हम लिख लेते हैं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी और एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू। हम ऐसा क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी जो होंगे वो भी इक्वल होंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, इसको हम इक्वेशन वन दे देते हैं। ओके अभी हमें क्या करना है, हमारा नेक्स्ट मोटिव ये है कि हम ये जो पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल डी और ये पूरा का पूरा एंगल सी, इसको हम लिखें। तो यहाँ पे फिगर में ध्यान से देखोगे तो एक तो हमें मिला हुआ है कि ये तो 90 डिग्री है, ठीक है, और एंगल वन हमें मिला हुआ है, तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें एंगल डी मिल जाएगा। उसी तरह एंगल सी पे ध्यान दो, तो ये तो 90 डिग्री हमें पता ही है, इसमें अगर हम एंगल टू ऐड कर दें तो हमें एंगल सी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम यही करने वाले हैं नाउ, और हमें अभी पता भी चल चुका है फ्रॉम वन कि एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम वन, ठीक है। नाउ एडिंग 90 डिग्री ऑन बोथ द साइड्स, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, एंगल वन प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू एंगल टू प्लस 90 डिग्री, है ना। अगर हम फिगर में ध्यान से देखें तो एंगल 90 क्या है, मीन्स 90 डिग्री कहाँ पे है, एंगल ई डी सी, फिगर पे ध्यान से देखो, ई डी सी, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल टू प्लस 90, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, एफ सी डी, है ना, एफ सी डी को ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एफ सी डी, तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एंगल ए डी सी और यहाँ पे मिल जाएगा एंगल बी सी डी, है ना। फिगर में ध्यान से देखते हुए चलो, ए डी सी दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा एंगल मिल जाएगा ना ए डी सी, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल सी हो रहा है, इसको हम रिजल्ट टू मान लेते हैं। ओके अभी हम क्या यूज़ करने वाले हैं, अभी हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल यूज़ करेंगे, ठीक है, ए बी सी डी का, ए बी सी एंड डी, तो देखो क्या मिलेगा हमें। सो नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एंगल ए, अच्छा एंगल बी क्या हुआ, देखो देखो यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी है, उसी तरह एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी है, ओके इन दोनों का अभी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सो एंगल बी के बदले में क्या लिखने वाला हूँ, एंगल ए लिखने वाला हूँ, एंगल सी और एंगल डी के बदले क्या लिखने वाला हूँ, मैं एंगल सी लिखने वाला हूँ, इक्वल्स टू 360 डिग्री, ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू टाइम्स एंगल ए टू टाइम्स एंगल सी इक्वल्स टू 360, टू को कॉमन ले लेते हैं, सो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 360, देयरफोर एंगल ए प्लस एंगल सी, टू कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, देयरफोर एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके तो हम उस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं।
सो बिकॉज एंगल ए और सी कैसे हैं, एंगल ए और एंगल सी जो हैं वो ऑपोजिट हैं, है ना, बिकॉज सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, देयरफोर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा।